नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कल हमें कौन से स्टॉक्स पे ट्रेड लेना है, प्लस निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या सिनेरियो रह सकता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो सबसे पहला स्टॉक जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो है मुथूट फाइनेंस। शॉर्ट करने की सलाह दी जाएगी आप लोगों को, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को इस लेवल पे बताया था कि गिरावट आ सकती है, तो ये एक फॉल आई थी, हमने इस पर ट्रेड लिया था और आज के दिन हम लोगों ने ट्रेड नहीं लिया, बट एक कन्फर्मेशन आ चुकी है प्रीवियस क्लोजिंग, तो यहाँ पर हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। और अगर कल एक गैप अप, मतलब अगर कल ऊपर खुलता है तो भी हम लोग एक शॉर्ट बना सकते हैं इसके अंदर। और जो प्रोबेबली मेरे टारगेट्स लग रहे हैं मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 1040 से लेके 1020 तक के मेरे टारगेट्स लग रहे हैं, जो कि 2-3 दिन के अंदर आ सकते हैं। सो ये क्लियरली शॉर्ट था, आप लोगों को बताया गया था, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, एक गैप जो फिल होना था उस गैप को फिल करने आ सकता है, तो इस वजह से ही हमारे लेग शॉर्ट है। आते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे, नेक्स्ट स्टॉक है बंधन बैंक। बंधन बैंक को अगर मैं आप लोगों को जूम करके दिखाता हूँ, या इस तरफ आप देखिएगा कि ये एक लेवल था ब्रेकआउट का, तो ये लेवल पे एक ब्रेकआउट आया, फर्स्ट टाइम रीटेस्ट करा, अब यही लेवल पे हॉल्ट कर रहा है, ये देख रहे हैं ऊपर गया नीचे आया, यहीं पर ही हॉल्ट कर रहा है। अब ये जैसी लेवल ब्रेक होगा 303 का, तो हम लोग और नीचे के लेवल्स देख सकते हैं, जो इसे 295-296 तक लेकर आ सकते हैं, तो ये भी हमारे लिए एक शॉर्ट कैंडिडेट है। लेवल्स और जो किस लेवल पे आप लोगों को सेल करना है, क्या टारगेट, क्या स्टॉप लॉस होने चाहिए, वो हम आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा देंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन पे ज्वाइनिंग का लिंक है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, आप लोग वहां जाके ज्वाइन कर सकते हैं, आप लोगों को वहां पर सुबह 8:30 के आसपास अपडेट मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टॉक आता है इंफोसिस। इन्फोसिस पर्टिकुलर स्टॉक मेरे लिए बाय लिस्ट पे है, बिल्कुल सेम पैटर्न बना है जो कि एक अपोलो ट्यूब्स में बना था, वो स्टॉक भी मैंने आप लोगों को रिकमेंड करा था 2 दिन पहले, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे आया स्टॉक, ऊपर गया नीचे आया, डबल बॉटम टाइप सिनेरियो है, ये लेवल ब्रेक हो चुका है इस वाली कैंडल पे, और जो ये वाला लेवल होता है, जो ये वाला लेवल होता है एग्जैक्ट उस पर ट्रेड कर रहा है, जैसी ब्रेकआउट आता है 943-942 के ऊपर तो एक बाय इस पर भी बन सकता है। और वैसे भी आईटी सेक्टर है, जो इस गिरावट पे हम लोग अगर कोई भी सेक्टर में बाय पोजीशन बनाना सकते हैं तो आईटी सेक्टर पे बना सकते हैं, ठीक है, और कभी भी आईटी सेक्टर पे एक फॉल आती है तो उसको हमें बाय के लिए ही ढूंढने चाहिए। ये एक लेवल है, ठीक है, ये लेवल एक बाय के लिए एक्यूमुलेट के लिए था, अगर दोबारा कभी इस लेवल्स पे आते हैं हम लोग बाय बना सकते हैं, ये हमारे लिए एक बाय कैंडिडेट है। नेक्स्ट स्टॉक आता है HCL टेक। जैसे कि मैंने आपको बताया आईटी सेक्टर मेरे को लगता है कि अच्छा कर सकता है, तो आईटी सेक्टर पे मैं बाय के लिए ही सोच रहा हूँ। अब यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये लेवल आप देख रहे हैं, ये नीचे आया एग्जैक्ट इस लेवल पर आया और दोबारा ऊपर जा रहा है, ये प्रॉबेबली एक एन शेप पैटर्न है, और जब ये लेवल ब्रेक होता है तो ये जो मूवमेंट होती है, ये जो पूरी मूवमेंट होती है, इसका 50% सबसे पहले कैप्चर करता है और जैसे ही उसको ब्रेक करता है तो पूरे 100% की मूव देता है, तो ये एक एन टाइप पैटर्न है, जिसे हम एक कह सकते हैं कि एक चैनल टाइप। तो जैसे ही ये लेवल कल ब्रेक होगा 727-728 के ऊपर, तो इस पर भी एक अच्छी मूवमेंट आ सकती है। मेरे हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा वीक है, कल भी एक गैप डाउन और नीचे जा सकता है, तो थोड़ा सा बाय साइड में आप लोग देख कर ट्रेड करिएगा और ज़्यादा हैवी क्वांटिटीज़ के साथ मत करिएगा और ज़्यादा टारगेट की एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी मत रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट तो आता है सन फार्मा। ये भी मेरी लिस्ट में था कि हम लोग भी इसे बाय बना सकते हैं प्रॉबेबली, बट अब मेरी लिस्ट से ये हट चुका है और मैं अब इस पर सेल ही सजेस्ट करूंगा इस फार्मा सेक्टर के अंदर, तो हम लोग फार्मा में सेल बना सकते हैं, प्लस हम लोग स्टील सेक्टर पे सेल बना सकते हैं, ठीक है, ये दोनों सेक्टर हैं, रियल स्टेट हो गया, स्टील सेक्टर हो गया और फार्मा हो गया, इन पे सेल बना सकते हैं। आईटी और ऑटो पे हम लोग ध्यान लगा के सकते हैं, ऑटो पे भी कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो वीक हैं, बट स्पेसिफिक स्टॉक्स पे अगर आप लोग लगाएंगे तो वो हमें रिटर्न दे सकते हैं। देख सकते हैं इस लेवल से एक ब्रेकआउट आया था क्योंकि मल्टीपल रेजिस्टेंस था, ठीक है, उसी लेवल को अब ब्रेक करने वाला है, तो जैसे ही 500 एक राउंड फिगर नंबर है, ये नीचे की तरफ कल तोड़ता है तो 4-5 रुपये हम लोगों को बहुत अच्छे से मिल सकते हैं, तो आप ब्रैकेट ऑर्डर यूज़ करके 4.997 के नीचे आप अपना एक ट्रिगर प्राइस लगा सकते हैं और अपने 4-5 पॉइंट्स का टारगेट लगा के आप इसमें बैठ सकते हैं।
ठीक है, तो ये हमारी थी 5 स्टॉक्स की एनालिसिस। अब आते हैं हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी पे। जिस तरीके से मैंने आप लोगों के कल कमेंट्स पढ़े, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग ये पर्टिकुलर चार्ट्स की सीरीज सीखना चाहते हैं और आप लोगों को समझ में आ रहा है। कुछ ऐसे लोग थे कि बोल रहे थे नहीं हमें कुछ समझ नहीं आता, बंद करो सारी फालतू की चीज़ें आप लोग पढ़ाते हो, किसी को कुछ समझ में नहीं आता। उन लोगों को मैंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है आप लोगों के कमेंट से ही, तो वो अपना आप मुँह बंद करके बैठ जाएंगे। ठीक है, तो ये जब लोग जब ऐसे लोग कमेंट्स लिखते हैं ना कि हम लोगों को समझ नहीं आ रहा, अपना चैनल बंद करो, ये सारा कुछ, तो आप लोगों के कमेंट्स ही उन्हें अपना जवाब दे देते हैं, उसके बाद उनका रिप्लाई आना अपने आप बंद हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये एक तरीके का पैटर्न मैंने हम देखा, नीचे गया ऊपर गया, प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करा, प्रीवियस लो को ब्रेक कर गया, हॉल्ट करा और दोबारा नीचे क्लोजिंग दे दी है जिस लेवल को ब्रेक करा था। मैं दिखाता हूँ, ये लेवल था ब्रेकआउट का, इस लेवल के नीचे क्लोज कर चुका है। अभी भी मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि यही लेवल है, जो ये लेवल है यही लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है 11,250 का, इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाएगी तो हम एक शार्प फॉल देख सकते हैं। शार्प फॉल मतलब सीधा 11,100 या 11,000 तक के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट तब तक हम लोग एजम्पशन लगा के नहीं चलेंगे। एजम्पशन हम तभी लगाएंगे जब हम लोगों को लगेगा कि कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, हमें एजम्पशंस लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक सिंपल मोटो लेकर चलो, अगर सेल लग रहा है तो सेल करो, वरना आप वहाँ से एग्जिट कर सकते हो, वरना वहाँ पर ट्रेड ही मत बनाओ। बैंक निफ्टी पे आते हैं, बैंक निफ्टी क्लियरली शॉर्ट है, मैं आप लोगों को कब से कह रहा हूँ, अराउंड 23,300 के लेवल से मैं आप लोगों को यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि बैंक निफ्टी शॉर्ट है। ये सीधा एक अपनी फॉल कर रहा है, बट 35 का एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जहाँ पर ये पॉज कर रहा है, कल जैसे ही ये लेवल ब्रेक होगा सीधा यही लेवल पे से आना है, ये एक जोन है ना, इसी जोन पे आना है। ये जोन का लेवल मैं बता देता हूँ 22,500 से लेकर 22,300 का, इसी जोन के अंदर ये बैंक निफ्टी आ सकता है। प्रॉबेबली मुझे लगता है कि कल या परसों दो तीन दिन के अंदर आ सकता है, हो सकता है ये हॉल्ट करे, हॉल्ट करने के बाद एक नीचे की तरफ पोजीशन बना सकता है, तो बैंक निफ्टी भी हमारे लिए क्लियर शॉट है, पोजीशन में से शॉर्ट करके चल सकते हैं। ये थी हमारी आज की एनालिसिस। जो भी आप लोगों को परफेक्ट एंट्री पॉइंट चाहिए और जो भी टारगेट या स्टॉप लॉस चाहिए, हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर सुबह 8:30 AM के अराउंड मैं अपडेट कर देता हूँ, आप वहाँ से फिर अपने स्टॉक्स की एनालिसिस स्टार्ट कर सकते हैं। सो यही थी मेरी आज की एनालिसिस, इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आप लोग को सब्सक्राइब करने की इतनी जल्दी मत करिएगा, आप लोग हमारी प्रीवियस वीडियोस देखिएगा, और अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ उन पे कुछ आप लोगों को सीखने को मिला है तो भी सब्सक्राइब करेगा। हम आप लोगों से ज़बरदस्ती सब्सक्राइब नहीं करवा रहे हैं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा चैनल को इंक्रीज़ करिए। जब तक आपको कहीं यूट्यूब के कोई भी चैनल से नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, उसे सब्सक्राइब करने का फ़ायदा नहीं है। आप वीडियोस हमारी देखिए, अगर आप लोगों को लगता है तो ही सब्सक्राइब करेगा। तो मैं शिवांश भसीन आप लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो पे, साइनिंग ऑफ़।